अक्टूबर 1943 में आजम ने यह खरीदा था कभी इस घर में नहीं रहे तारीख में देखा की पीटीआई ने 126 दिन का धरना दिया लेकिन कुछ हासिल ना हुआ अब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना देकर क्या हासिल कर लेगी देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त कोई लॉन्ग टर्म तो थिंकिंग है नहीं बल्कि इमीडिएट गेन्स के चक्कर में हम जो है वो बातें कर रहे हैं मौलाना साहब की की प्रॉब्लम जो हमें नज़र आती है वो ये है कि पार्टी तो उनकी छोटी है लेकिन पीडीएम की वजह से उन्हें एक बड़ा रोल मिल गया है और बड़ी हैसियत पहले से ज़्यादा मज़बूत उनकी नज़र आती है क्योंकि हुकूमत भी पी की है तो उसकी वजह से वो एक ओवरसाइज़ रोल प्ले करने के आदि हो गए हैं और ये भी एक ओवरसाइज़ रोल प्ले कर रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत ख़ुद अगर स्पॉन्सर करती है प्रोटेस्ट को तो ये बड़ी दिलचस्प बात है किसके ख़िलाफ़ करती है इसलिए कि इस वक्त जुडिशरी उनकी 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 तसल्ली के फैसले नहीं कर रही ना देखिए बदकिस्मती हमारी ये है कि हम असूल की बुनियाद पे बात नहीं करते अच्छा। हमारे लीडरों ने चाहे वो इमरान है चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे वह कोई और है अगर तो कोई अदारा उनके हक में बात करे तो वाह वाह और नहीं करे तो बहुत बुरा है अब देखें ना नवाज शरीफ साहब ने सितंबर 2020 में क्या तकरीर की थी फौज के खिलाफ नाम नहीं लिए थे जी। आज फौज के सपोर्टर हैं एग्जैक्टली वजह क्या हुई है क्योंकि रोल बदल गया है अच्छा इसी तरह आपको बाकी लीडरों का भी यही नजर आता है इमरान खान का भी यही नजर आता है आपको कि एक वक्त में ताल्लुका ठीक थे अब वो कुछ लोगों के मेरे सियासी जमातें अपने अपने मफादात के लिए सियासी जमाते मफाद के लिए हैं तकसीम दर तकसीम इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से हमारे यहाँ सियासत इस वक्त इस ऐसे खतरनाक मोड़ पे है कि आप यहाँ कोई भी कर लें यहाँ झगड़ा पैदा होगा अच्छा। और जब तक आप इस टेंशन को डिफ्यूज नहीं करते और आप असूल की बुनियाद पर नहीं चलते जो कि हमारी इस वक्त पॉलिटिक्स में नहीं है फौज को भी तारीफ कर लो फौज की भी बुराई कर लो और जुडिशरी की तारीफ़ कर लो जुडिशरी की बुराई कर लो क्योंकि बेलगाम गुफ्तु होती है बाकी रहा काइन के फ्रेमवर्क में रहते हुए जुडिशरी ने एक रोल प्ले करना है और दूसरी बात यह है कि माजी का जो सियासत की जो मिसालें दी जाती हैं ना वो हैं गलत हैं और फिर यह है कि जो हम बात करते हैं हम हिस्ट्री को जो हिस्ट्री को सेलेक्टिवली इस्तेमाल करके मौजूदा सियासत के मकासद को हासिल करना चाहते अच्छा। हैं जिना हाउस जिना हाउस का नारा सुबह शाम दोपहर प्राइम मिनिस्टर से शुरू होकर हर कोई लगा रहा है तारीख पता है आपको इसकी बिल्कुल ये जिना हाउस है अब ये अक्टूबर 1943 में कायदे आजम ने ये खरीदा था जी। जनवरी 44 में उसके तीन महीने के बाद पंजाब हुकूमत ने अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इसको टेक ओवर करके आर्मी का मैस बना दिया कायदे आजम ने कोशिश की कि थ्रू कोर्ट ये घर उनको वापस मिल जाए वो नहीं मिल नहीं मिला 47 में जब पाकिस्तान बन गया तो ये उसके कुछ अरसे के बाद जीओसी हाउस बन गया जियो हाउस बन गया फिर 1965 65 में कोर कमांडर हाउस बन गया 1959 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कीमत डिटरमिन डिटरमिन करके कायदेजम के वारसीन को वो पैसे अदा कर दिए के अंदर तो कायदे कभी इस घर में नहीं रहे अच्छा कभी घर में तो तभी रहेंगे घर उनको मिलेगा अक्टूबर में खरीदा और वो बहुत बिजी टाइम था कायदे आजम का टाइम नहीं।, नहीं था कायदेजम का ठीक है अक्टूबर में खरीदा जनवरी में पंजाब हुकूमत ने टेक ओवर करके उसको मैस बना दिया तो ये देखिए ना क्यों इस वक्त कहा जा रहा है वो बोर्ड तो हमेशा लगा हुआ था उस घर के ऊपर क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इसके मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में सियासी डिविडेंट है और यह तंग नजरी और तंग सोच का फ, आ, मसला है।, है जब तक इससे बाहर हमारी सियासत नहीं निकलेगी कुछ कर लें चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करे एस्टेब्लिशमेंट ना करे ये दंगा फसाद हमारे यहाँ चलता रहे ठीक है तो साफिर साहब इस वक्त की तरजीहत में क्या चाहिए एहतजाज करना चाहिए होना तो ये हो था इस बजट पेश करने की तैयारी हो रही है बारह अगस्त को कौमी असम्बली तहलील होने जा रही है होना तो ये चाहिए था कि इंतारी मुहिम चलाती हुकूमत लेकिन हुकूमत तो इस वक्त एहतजाजी तहरीक करने जा रही है क्या ये हुकूमत के मफाद में है ये किसी के मफाद में नहीं है ना हुकूमत के मफाद में है दिलचस्प सूरत हाल है कि हुकूमत ख़ुद अपने खिलाफ एहतजाज के लिए निकली गई पाकिस्तान में अनहोनिया होती रह, आ, 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 रही है और मजीद भी आ, होती रहेगी लेकिन आ, एक अदब और एहतराम के साथ चले जना हाउस नहीं सही वो कोई आम हाउस उस पर क्या बलवाइयों का यूँ घुस जाना और जला डालना वो ठीक था तारीख बयान की गई जना हाउस से जो उनसे मंसूब है अगर वो नहीं भी रहे हैं इसमें वो वैसी आ, कोई आम किसी आम शहरी का घर होता कोर कमांडर का घर भी वो ना होता तो क्या उसको जलाना उसकी जस्टिफिकेशन क्या है और तारीख की बात हो रही है तो रेडियो पाकिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन उन्नीस सौ पैंतीस में कायम हुआ और रेडियो को ईजाद करने वाले मारकूनी ने आके अपने हाथों से आ, उस वक्त के वजीर जो सुबह सरहद था उनकी दरख्वास पर इस तारीखी इमारत को कायम किया था और उसमें पश्तो और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हेरिटेज जो था वो तबाह हुआ तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इसकी तो मैं मुझे समझ नहीं आती अगर कल मौलाना साहब आ रहे हैं परसों उनकी आमद अव्वल तो रेड जोन में आम लोगों का दाखिला ही ममनू है इस्लामाबाद में दफ़ा एक सौ चवालीस है आर्टिकल टू फोटी फाइव के तहत फ़ौज की मदद भी इंतज़ामिया को हासिल है बहुत सारे कानूनी तकाज़े या तो मौलाना साहब को पूरे करने पड़ेंगे या फिर बहुत सारे कानून आ, आ, का, आ, कायदे जो है क़ानून के उसको तोड़ के उन्हें रेड जोन पहुंचना होगा और सुप्रीम कोर्ट के साथ सामने धरना उन्हें देना पड़ेगा वो तो एक अलग कहानी है जिस तरह इमरान ख़ान साहब का दावा बोलना ठीक नहीं था उनके साथियों का दावा बोलना ठीक नहीं था उनके बलवाइयों का मोटर को जलाना ठीक नहीं था इसी तरह मौलाना साहब का जिलाओ गराव और लॉकडाउन जो है वो भी दुरुस्त नहीं है ये लड़ाई जो है वाकई ये ये जो सब लोग हैं ये पी वगैरह ये वाकई आलाकार है और इसमें पीटीआई भी शामिल है वो भी कोई इतनी उसकी जो है वो भी एक वो अगर ये मुकामी इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार है तो पीटीआई अगर ये बहस बहुत दूर तक चली जाएगी लेकिन मैं मुख्तरअनी कहूँगा मेरी ये सोच है मेरी ये राय है कि फिर पी टी आई आलमी इस्टेबलिशमेंट का अलाकार है अभी आर्मी चीफ और जो बाकी पाकिस्तान के जो बाकी सियासी हुकूमत के जो नुमाइंदे थे चीन से होके आए और अड़तालीस अरब डॉलर का एक मनसूबा चीन बहुत मुद्दत बाद उसको दोबारा शुरू करने पर राज़ी हुआ था रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने और सीपेक से रिलेटेड जो बाकी बहुत सारे मनसूबे थे अब इन हालत में चीन पाकिस्तान के साथ क्या वो मंसूबा जारी रखेगा 2014 का आपने जिक्र किया उस वक्त आपको पता था कि चीनी रहनम पाकिस्तान आ रहे थे तो उस वक्त इमरान खान सड़कों पे थे जब जब चीन के साथ पाकिस्तान के तलक बेहतर होते जाते हैं तब तब खान साहब को तब चढ़ती है और वो सड़कों पर आते हैं वो फिर कानून को हाथ में लेते हैं फिर वह सारी सूरत हाल को तब्दील करके रख देते हैं बात दरअसल यहाँ पे ये है कि जो अदलिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो आवाम की तर्जुमानी कर रही है तो वाकई वो आवाम के एक तबके की तर्जुमानी तो कर रही है ठीक है लेकिन ये मौलाना के सपोर्टर ये पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ये मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी आवाम है उनकी अगर तर्जुमानी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं तो अदलिया को ये इतमान दिलाना पड़ेगा अगर आज नहीं तो कभी इस सवाल का उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि वो एक जुमात कि लीडर को जो मुलम की हिसियत में कटहरे में कड़े हो के उनको अगर खुशी आ, उनको देख के खुशी महसूस होती है तो कल जब मौलाना उस दरवाजे पे कड़े होंगे तो सवाल यही बनता है कि वो भी अवामी नुमाइंदे हैं तो क्या चीफ जस्टिस साहब को तब भी खुशी होगी कि नहीं आज रजिस्ट्रार साहब आप कह रहे हैं सबके लिए होना चाहिए हमारा सवाल यह है